हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करेंगे। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंच है। सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाऊंगी, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम एक निशान करीब 7.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम ऊपर से एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे। जो निशान मैंने 3.5 इंच पर लगाया है, इसको आप 4 इंच पर भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम ऊपर के हिस्से को गोलाई देंगे। ऊपर के हिस्से को गोलाई देने के बाद हम करीब 1 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे, यानी जो हमने राउंड शेप दी है। ये निशान लगाने के बाद देखिए, जो निशान हमने 7.5 इंच पर लगाया है, हम यहाँ से इसको इस तरह से शेप देंगे। ये शेप देने के बाद हम करीब 0.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद हमारी ये जो पट्टी है, यहाँ से हम इस तरह से इस निशान में इसको ऐसे मिला देंगे। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा नेक इस तरह से आएगा। देखिए इसके बाद हम अपने कुर्ते का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं। उस पर अपने नेक को इस तरह से हम रख के देखते हैं, हमारी ये पट्टी है, ताकि हमें चौड़ाई का पता लग जाए कहाँ पर हम अपनी बुकरम पेस्ट करनी है। मैंने इसमें जोड़ लगाए हुए हैं कपड़े में, एक कपड़ा थोड़ा कम था। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये पट्टी आएगी, तो यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद, क्योंकि हमें पहले ये वाला हिस्सा पेस्ट करना है, यहाँ पे हम इस तरह से कट लगा देंगे। इसके बाद देखिए जो हमने कट लगाए उनके ऊपर हम अपनी बुकरम के कॉर्नर इस तरह से रखते हैं और अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम इसी शेप में थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ से कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। और ये कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक निशान बनाते हैं। यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इसके ऊपर हम एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से। पहले हम क्रीज बना लेंगे, यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ये दोनों कट मिलाते हुए
और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें बीच बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे और ये कॉर्नर हम किसी चीज से निकाल लेंगे। इस तरह से। इसके बाद हम अपनी नेक की ऊपर वाली पट्टी को इस तरह से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं दोनों पट्टियों को, और हमारे कपड़े के सीधे हिस्से दोनों अंदर की साइड होने चाहिए और हमें दो 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 पीस रखने हैं। इसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसमें यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई हमें बुकरम के बिल्कुल बराबर में लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, और दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद जिस साइड हमने सिलाई लगाई है उस साइड हम दोनों पट्टियों की कटिंग करते हैं थोड़ा बार बार से। देखिए हम दूसरी साइड से भी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे इसी शेप में, और जिस साइड हमारी सिलाई है उस साइड हम दोनों पट्टियों पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे। और इसके बाद हम अपनी पट्टियों को सीधा कर लेंगे। अपनी पट्टियों को पलटने के बाद हम देखिए इस तरह से जहाँ तक हमारी बुकरम है इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर ऐसे निशान लगाएंगे। दोनों पट्टियों के ऊपर हम ऐसे ही निशान लगाने हैं। देखिए इसके बाद हमने जो निशान लगाए हैं इस तरह से, इन निशानों के ऊपर हम अपने नेक को इस तरह से रखते हैं और यहाँ से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे। आप चाहें तो पहले पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं और बाद में इसके ऊपर, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और देखिए जैसे हमारा यहाँ से कपड़ा दिखाई देता है, तो जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो इसको अंदर को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने पट्टी पर सिलाई लगा ली है, और जब हम यहाँ पर आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और तब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड आने से थोड़ा सा पहले हम अपनी दूसरी पट्टी को रख लेंगे। इसी तरह से, और फिर इसके ऊपर भी हम इन्हीं निशानों के ऊपर इसको रखते हुए ये सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी डोरी बनाते हैं और उसकी हम इस तरह से लुप्पी बनाएंगे, और इस लुप्पी को हम देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम हाथ से इसको सील देंगे। आप इस तरह से इस लुप्पी को लगा लें, अच्छे से इसको पक्का कर लें। देखिए ये हमारे गले का फाइनल लुक है, और यहाँ पर मैंने ये बटन लगा दिया है। आप कोई भी बटन यहाँ पर लगा सकते हैं, मैचिंग का भी बटन लगा सकते हैं। और इस तरह के जो नेक डिज़ाइन है वो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, और इस तरह के नेक डिज़ाइन में काफ़ी व्यूवर्स कंफ्यूज रहते हैं कि पीछे का नेक कैसा बनना है। तो इसमें मैं बता देना चाहती हूँ कि पीछे का जो नेक बनेगा वो बिल्कुल सिंपल राउंड नेक बनेगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।